मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सवाल पूछते थे ना मनमोहन सिंह से? नहीं पूछते थे? हवाई जहाज में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सवाल आप हवाई जहाज में बैठ करके प्रधानमंत्री से पूछते थे, जो मन होता था वो करते थे। जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था तो पत्रकारों ने उसके विरोध में संपादकीय पेज को खाली छोड़ दिया था। है हिम्मत आज? पूछिएगा सवाल, सवाल पूछिएगा ना तो आपके भी दफ्तर पर ईडी का रेड होगा, इस बात को याद रखिएगा। सवाल पूछिएगा ना तो आपका भी फोटो मूरी आपका लगा देगा और देह किसी और का लगा देगा, सर आपका और तन किसी और का, आपको भी बदनाम किया जाएगा, आपको भी धमकी भरे लेख पत्र लिखे जाएंगे, आपके भी परिवार के लोगों को परेशान किया जाएगा, आपको भी सोशल मीडिया पे गालियां निकाली जाएगी। एक भाजपा का समर्थक महंगाई को ऐसे डिफेंड कर रहा था, हमने कहा कि रे भाई तुम अपना वाला चश्मा हमको दे दो, तुम्हारा चश्मा लगा देते हैं तो हमको महंगाई भी अच्छा लगने लगेगा। आज से पहले देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि महंगाई के फायदे गिनाए गए थे? ऐसा हुआ था क्या? जब रुपए ऐतिहासिक तौर पर डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर चला गया है तो एक बिका हुआ पत्रकार टीवी पे आकर के कह रहा था कि देखिए रुपया कमजोर हो गया है, इसका क्या क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो डॉलर में पैसा कमाते हैं, तो वो वहां अगर एक डॉलर कमाएंगे तो उनको 100 रुपया हो गए। हम बोले प्रचंड मूर्ख है कि भारत से बाहर भारत के कितने लोग रहते हैं, भारत के भीतर भारत के लोग ज्यादा रहते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर रुपए की कीमत कम होगी तो हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं वो सामान महंगा हो जाएगा, और सामान जब महंगा होगा तो महंगाई से लोगों की जान निकल जाएगी, और महंगाई का हालत ये है। महंगाई है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को महंगाई दिख रही है, महंगाई सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल पंप पे अगर आप भाजपा का बिल्ला लगा करके जाइएगा तो पेट्रोल आपको 50 रुपये लीटर मिलेगा, ऐसा है क्या? हिंदू को भी 100 रुपया, मुसलमान को भी, दलित को भी, ब्राह्मण को भी, महिला पुरुष सबको कोई छूट नहीं। तो जब महंगाई हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा है तो प्रभु आप लोग का है हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं? देश जब महंगाई से मर रही है, तबाह हो रही है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? देश जब बेकारी से जूझ रही है, देश में सबसे ज्यादा बेकारी है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझिए कि ये अंग्रेजों के पक्के सिद्ध हैं। जैसे होता है ना गुरु जी का पक्का चेला, कि अंग्रेज से ये एकदम पक्का नुस्खा सीखे हैं, एकदम हकीम साहब का पुड़िया नहीं होता है चूरन, वो एकदम चूरन खाए हैं बराबर, कि अंग्रेज जैसे देश को डिवाइड एंड रूल करते थे, हिंदू मुसलमान बोल करके लड़ाते थे, और हम 35 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज करते थे, कपास हमारा यहां से ले जाते थे, वहां कपड़ा बनाते थे, वापस ला करके हम ही को बेचते थे, और जो मुनाफा होता था उससे कोठियां बना करके यहां रहते थे और हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यही अब हो रहा है हमारे साथ। BSNL याद है? धीरे धीरे इतिहास होने वाला है। BSNL को क्या कहा जाता था? भाई साहब नहीं लगेगा। जियो धन धना करके मजा आ रहा है ना? पहला बार जब जियो आया तो फ्री था, तो लोग ही प्रचार कर रहे थे, पूछते थे कि कौन सा सिम यूज करते हो, तो कह दिए एयरटेल या BSNL। कहता था भारी बेवकूफ आदमी हो, जियो क्यों नहीं ले लेते हो, फ्री में मिल रहा है। हम कहते थे रे भाई, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि फ्री का सामान बहुत खतरनाक होता है। फ्री में जियो मिल रहा है क्या सिपाही जी? फ्री में जियो मिल रहा है अब? पहले मिला था ना? क्यों मिला था? इसीलिए मिला था कि जब BSNL नहीं रहेगा ना तो अभी 700 रुपया दे रहे हैं,
कल को 7,000 रुपया भी अगर मांगेगा ना अंबानी तो आपको देना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं और जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं वहां पर सबको अग्निवीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गडकरी जी सबसे ताजा ताजा अग्निवीर बने हैं, नहीं अभी बहुत लोगों को बनना है। इससे पहले आडवाणी जी बन गए, उसके बाद रविशंकर प्रसाद बन गए, अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में, और चाचा फिर मंच पे जा करके भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या, एसएससी का एग्जाम यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे, देखे बिहार में क्या हुआ, देखे महाराष्ट्र का बदला नितिन साहब हम लोग एकदम भिजा के ले लिए हैं। चाणक्य वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर यूपीएससी किया था, उसका बाप नेता नहीं है। और ये जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है उसका बाप नेता नहीं था। अब पीयूष गोयल, उसका बाप नेता नहीं था बेईमानी। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। तो भाजपा का परिवारवाद परिवारवाद नहीं है। और कांग्रेस के दो दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान दे दी तो आप हमको परिवारवादी बोल रहे हैं? दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान गवाई है इस देश के लिए, उसको आप परिवारवाद बोल रहे हैं? और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, यह परिवारवाद नहीं है, यह बेईमानी है।